अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल खान है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी इन हिंदी उर्दू। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रोम फाइबर और साइबर नेट की। बहुत से लोगों के माइंड में है कि ये साइबर नेट और स्ट्रोम फाइबर ये क्या है, ये दोनों एक कंपनी है या डिफरेंट है। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल पर बात करेंगे स्ट्रोम फाइबर और साइबर नेट की, इनका रिलेशन क्या है, इनके प्राइसेस पैकेजेस क्या है और इनका जो सर्विसेज है वो क्या है। तो सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि अगर आप साइबरनेट यूज़ कर रहे या स्ट्रोम फाइबर, सो दोनों का जो इनकम है वो एक ही बंदे को जाता है। जो स्ट्रोम फाइबर है वो एक कंपनी जो जिसने भी बनाया है ना, तो फिर साइबरनेट जो है ना उसने जो है ना स्ट्रोम फाइबर से जो है सर्विसेज ली है इंटरनेट। मिसाल के तौर पर जो स्ट्रोम फाइबर है ना वो पेरेंट कंपनी है और जो साइबरनेट है वो चाइल्ड कंपनी है। अगर कोई बंदा स्ट्रोम फाइबर का नेट यूज़ कर रहा है, जो जिसका जो इनकम जा रहा है ना, तो वो तो डायरेक्टली स्ट्रोम फाइबर को जा रहा है। और जो साइबरनेट है, अगर कोई वो भी यूज़ कर रहा है ना, तो उसका जो इनकम है वो इनडायरेक्टली स्ट्रोम फाइबर को जा रहा है। अगर आप स्ट्रोम फाइबर की वेबसाइट विज़िट करेंगे तो उधर लिखा होगा कि स्ट्रोम फाइबर फॉरवर्ड बाय साइबरनेट। तो अगर ये दोनों इन दोनों कंपनी में मेन डिफरेंस क्या है, दोनों तो एक कंपनी है चाइल्ड एंड पेरेंट, मगर जो पैकेजेस है उसमें आपको जो है बहुत बड़ा मार्जिन दिखेगा। स्ट्रोम फाइबर के कुछ टारगेट्स है, उसी के बाद वो किसी एरिया में ज़्यादा है। मतलब अगर आप देखें स्ट्रोम फाइबर का जो कवरेज होता है ना, वो एक सिटी में, जैसे पेशावर हो गया, लाहौर, कराची, मुल्तान, कोई और, तो वो उन इलाकों में होता है जो मतलब थोड़े मॉडर्न होते हैं। जैसे पेशावर में हयातआबाद हो गया, गुलबहार हो गया, सिविल कॉलोनी, एडिट कॉलोनी और जितने भी कॉलोनीज़ है जिनका जो मैप और जो स्ट्रीट का डिज़ाइन जो है ना वो एक अच्छे तरीके में हुआ है, तो उधर जाते हैं। ऑन द अदर हैंड जो है ना साइबरनेट वो किसी भी एरिया में जाता है जहाँ उनको मतलब उनका एक लिमिट होता है इंटरनेट कनेक्शन लगवाने का, अगर वो पूरा हो जाता है तो वो उधर जाते हैं। बाकी रही बात पैकेजेस की, जो स्ट्रोम फाइबर है इनके पैकेजेस बहुत महंगे हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप 10 MB उनसे ले स्ट्रोम फाइबर से, तो वो आपको चार्ज करेगी 2600-2500 और मे बी समटाइम ये जाता है 2800, क्योंकि चार्जेस होते हैं, टैक्सेस होते हैं उसी के साथ। अगर आप देखें साइबरनेट की, तो साइबरनेट की जो स्टार्टिंग पैकेज वो 3 तरह का पैकेज प्रोवाइड कर रहे हैं, एक 3 MB, 5 MB, 10 MB, 15 और 25। जो 3 MB का है उसका मंथली जो बिल आता है वो 1200। इसी तरह जो 5 GB है उसका 1400, 10 MB 2200 और 15 MB का 2800 और जो 25 MB है उसका 3800 बिल आता है। और अंदादर है अगर हम देखें स्ट्रोम फाइबर की, तो इनकी पैकेजेस जो है ना 5 और 10 MB से स्टार्ट होती है, जो बहुत महंगी। इनका 10 MB जो है ना वो 2600 से लेकर 2800, इसे ऊपर जाते जाते आपको 100 MB, चूँकि स्ट्रोम फाइबर है वो 100 MB तक उनका लिमिट है, साइबरनेट का 25 MB। अभी आपको स्ट्रोम फाइबर का हाथ अगर आपने लगवाना है कहाँ जाना है, और अगर आपने साइबरनेट लगवाना है तो कहाँ जाना है आपको। अगर आपने स्ट्रोम फाइबर लगवाना है तो आपने आपके पहले तो आपने देखा होगा कि आपके सिटी में वो अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल है तो उनका एक हेड ऑफिस होता है जिधर आपने विज़िट करके उनसे हाँ, सबसे पहले तो आपने देखा है कि आपके सिटी में होने के बाद आपके एरिया में है वो स्ट्रोम फाइबर का सर्विस। अगर है तो फिर आपने जिस सिटी में आप हो उधर जाके उनके हेड ऑफिस में बात करें, उधर से कनेक्शन लगवाना। अगर आपने साइबरनेट का लगवाना है तो आपने अपने केबल ऑपरेटर उनसे पहले तो देखना है कि आपकी सिटी में साइबरनेट है या नहीं। अगर है तो फिर आपने देखा होगा कि जो केबल ऑपरेटर है आपके एरिया में, तो वो उनसे बात करें। अगर है तो वो नहीं है तो वो आपके लिए कोई सेटिंग करें, आपको कहेंगे कि आपने 40 या 30 बंदे इकट्ठे होकर एरिया में अपने इलाके में, तो फिर हम आपके लिए कनेक्शन लगवाएंगे। और अगर ऑलरेडी हैं आपने अपने कई केबल ऑपरेटर से बात करने के बाद, वो आपको गाइड करेंगे। और अगर आपने कनेक्शन लगवाना है तो विद इन 2 डेज़ में आपका सब कुछ हो जाएगा।
इसी तरह अगर हम देखें स्पीड के लिहाज से, तो मैंने तो दोनों यूज़ की है, मैं पबजी भी खेलता हूँ। तो जहाँ तक है इधर अभी यहाँ मैं बैठा हूँ, तो इधर हमारे पास लगा है 10 MB, और जो स्टोन फाइबर का है। तो हम पे स्पेशली पबजी खेलते हैं, तो MS का जो नॉर्मली MS इस पे आता है वो 100 MB, नो 100 MS, 120 MS, समटाइम 150। जो साइबरनेट है वो भी मैंने यूज़ किया है, वो मैंने यूज़ किया है 5 MB, और ट्रस्ट मी उसमें जो MS मुझे आता है ना, तो कभी 8 MB, कभी 20 MS, कभी 40 MS, जो नॉर्मली उसका MS आता है वो 40-50, और समटाइम्स जब मतलब थोड़ा उसमें मसला आता है तो वो 150 तक जाते हैं, बाकी नॉर्मल जो होता है ना वो 50, वो डिपेंड करता है स्पीड फ्लो पर।